हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर को मेरे पास विल जैक्स, हार्दिक पंड्या, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, इन सभी को लेके यार बहुत ज्यादा अपडेट है। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। और हाँ भाई, नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दिसंबर 2023 के लिए ना मतलब इंडिया में कौन सा क्रिकेटर सबसे ज्यादा पॉपुलर था, इसकी एक लिस्ट आ चुकी है और मिक्स मीडिया ने मतलब यार रिपोर्ट निकाल लिखी है, जिसके अकॉर्डिंग दिसंबर महीने के लिए टॉप पे मतलब यार किंग कोहली थे। सेकंड नंबर में ऑब्वियसली यार थला फॉर अ रीजन, यार आप लोग ने ट्रेंड चलाया हुआ था भाई थला फॉर अ रीजन, तो ऑब्वियसली यार एमएस धोनी सेकंड नंबर में होने वाले थे। और तीसरे नंबर पे हमारे कैप्टन साहब रोहित शर्मा। वैसे किसको टॉप में होना चाहिए था, आपको क्या लगता है? तो चलो भाई सीधे अपनी पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है रजत पाटीदार के बारे में। इस टाइम पे को ना इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए के बीच में ना एक मतलब मुकाबला चल रहा है, प्रैक्टिस मैच मान के चलो। तो वहां पर को रजत पाटीदार भाई क्या कमाल का खेल रहा है भाई। तो मैं बता देता हूं, इंडिया ए की तरफ से एकमात्र लोन वॉरियर भाई 158 बॉल में इस बंदे ने 151 रन बना रखे हैं। जहां पर को सरफराज खान हो गया या फिर अभी न्यू ईश्वरन हो गया या फिर यार के एस भरत हो गया भाई, इतने चीपली आउट हो गए थे ना, तो उस टाइम पे को सिर्फ एक प्लेयर मतलब यार डटा रहा, जिसका नाम है रजत पाटीदार। आरसीबी वालों की किस्मत को मानना पड़ेगा, प्लेयर्स तो मतलब यार हमेशा बहुत ज्यादा कमाल के आते हैं लेकिन फिर भी मतलब यार ये लोग जीत नहीं पाते हैं। लेकिन सही में भाई रजत पाटीदार का ये जो परफॉर्मेंस है ना मैटर करता है, पता है रणजी को आजकल मतलब यार उतनी प्रेफरेंस मिलती नहीं है। तो ये जो मतलब यार इंडिया ए वाले मुकाबले होते हैं ना, यहां पर को आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। रजत पाटीदार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार छोटी सी विंडो खुल चुकी है, लेट्स सी ये बंदा मतलब यार टीम इंडिया में आता है नहीं आता है। लेकिन आज की जो दूसरी अपडेट है वो अगेन भाई आरसीबी के एक और प्लेयर के बारे में है, जिसका नाम है विल जैक्स। भाई साउथ अफ्रीका टी20 लीग में क्या कमाल का खेल रहा है भाई। इस बंदे ने अभी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में ना सिर्फ 42 बॉल्स में शतक मार दिया। अब बताओ, एक और प्लेयर है जो इतना कमाल का प्लेयर है, फाफ डू प्लेसिस जैसे को मतलब यार कैप्टन बना रखा है, उस बंदे को बाहर भी कैसे करोगे? मैं तो चाहता हूं आरसीबी वालों यार विल जैक्स के साथ तुम लोग मतलब यार विराट कोहली को ओपन करवाओ और फाफ डू प्लेसिस को बाहर करो। लेकिन अगर फाफ डू प्लेसिस जाता है तो मतलब यार कैप्टनसी कौन करेगा? तो ये मतलब यार काइंड ऑफ इंपॉसिबल है। तो इट विल बी अ रियली शेम यार, सही में इतना कमाल का प्लेयर मतलब यार बेंच में बैठे रहेगा, जस्ट आरसीबी थिंग्स मैन। अब आज की तीसरी अपडेट के बारे में बात करता हूं, जो है मोहम्मद शमी के बारे में। देखो मोहम्मद शमी यार पहले दो इंग्लैंड टेस्ट के लिए चुने नहीं गए, लेकिन उसके बाद के लिए शायद वो सेलेक्ट हो सकते हैं, ये मतलब यार इस टाइम पे को अपडेट आ रही है। लेकिन अपडेट ये नहीं है कि वो अवेलेबल होंगे करके, अपडेट ये है कि भैया मोहम्मद शमी ना बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग में भी ध्यान दे रहे हैं। भाई अभी रिसेंटली मतलब यार उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर को मतलब यार वो रिवर्स स्वीप भी मार रहे थे। तो भाई सारे तरह के जो मतलब यार शॉट्स हैं अपने आर्सेनल में लेते हुए मोहम्मद शमी, लेट्स सी यार इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा ये बंदा परफॉर्मेंस करता है विद द बैट। हाँ बोलिंग से तो मुझे पता है ऑसम ही करेगा, लेकिन विद द बैट भाई देखते हैं यार, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी यार। मतलब हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो मतलब यार बोलिंग के साथ साथ बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं, और मोहम्मद शमी यार डेफिनेटली वो प्लेयर बन सकते हैं। अगली अपडेट है रहाणे भैया के बारे में। देखो बहुत से लोग यार रहाणे को ना मतलब यार टीम इंडिया में वापस लाओ कह रहे थे, लेकिन रिसेंट भाई जो ये रणजी ट्रॉफी चल रही है केरला के खिलाफ, आंध्र प्रदेश के खिलाफ, भाई ये बंदा डक में आउट हो रहा है। तो रणजी में भाई बहुत ही ज्यादा गंदा परफॉर्मेंस चल रहा है इस बंदे का। खैर मैं तो अभी भी बोलूंगा भाई इस बंदे को लाने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत से लोग तो यार पुजारा को भी टीम में चाहते हैं, लेकिन अब मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है और भगवान भी हमें मतलब यार थोड़ा बहुत सिग्नल देने लग गया है कि भैया देख लो मतलब यार दोबारा नहीं जाना है उसकी तरफ। लेकिन पता ही है, अगर इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग हार गए बाई चांस, बाई गॉड ये लोग मतलब यार इन दोनों प्लेयर्स को वापस लेके आ जाएंगे। लेट्स सी आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन यस ये दोनों लेजेंड वाले प्लेयर हैं, इन्होंने मतलब यार अपने टाइम में बहुत कमाल का खेला है। मेरे हिसाब से लेट यंगस्टर्स प्ले भाई। अब अगली जो अपडेट है वो है हार्दिक पंड्या की तरफ से। देखो यार शिवम दुबे ना जब से अफगानिस्तान सीरीज में कमाल का प्रदर्शन कर रहा है, अब लोग चाहते हैं कि यार वो बंदा हार्दिक पंड्या को रिप्लेस करके T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आ जाए करके, लेकिन ये होना तो इम्पॉसिबल है। तो यहां पर को जो हमारे मतलब यार पूर्व क्रिकेटर्स रह चुके हैं लाइक जहीर खान या फिर और भी बहुत सारे, वो सभी मतलब यार एक ही धुन गा रहे हैं, बताए कि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे दोनों को मतलब यार टीम इंडिया के साथ लेके जाओ और प्लेइंग 11 में फिट करो करके। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है भाई, हार्दिक और शिवम दुबे मेरे ख्याल से एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं आ सकते, बिकॉज आपको रिंकू सिंह को भी अभी अकोमोडेट करना है, तो यार ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। लेट्स सी कौन खेलता है। वैसे कौन खेलता है तो क्या बोल रहा हूं, हार्दिक पंड्या खेलेगा ऑब्वियसली यार भाई, मतलब ऑलराउंडर तो डेफिनेटली यार हार्दिक पंड्या ज्यादा बेहतर है, शिवम दुबे एज अ बैट्समैन मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, लेकिन यार अगर आपको ऑलराउंडर के साथ जाना है हार्दिक इज योर गाय भाई। तो यार आज की अपडेट बस इतनी है, लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा अगर आप लोग ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर को जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यार, मीम्स देता हूं, अपडेट देता हूं, हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, तो भाई देरी मत करो यार, कर लो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। तो यार आज की वीडियो बस इतनी है, होप आपको पसंद आई होगी।